स्लीपर अलाउड नहीं मेरी ओनली शूज है ऊपर स्लीपर पहन के आके देखो अच्छा तो फिर रीजन तो होगा ना कि स्लीपर में ऐसा कुछ ऐसा ऊपर नीचे कुछ हो जाता हूँ ऐसा नहीं नहीं स्टार्टिंग से हम लोग का रूल है ऐसा नहीं फिर भी मतलब एक रीजन तो नहीं स्लीपर्स नहीं अच्छा लगता इसलिए स्लीपर्स नहीं लगता अरे हमारी मर्जी हम स्लीपर पहन के आए कुछ भी पहन के आए स्लीपर अलाउड नहीं फिर अब चलो मंगा लो चलो चलो रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज हमें जाना है पुणे की नाइट लाइफ देखने के लिए। मम्मी रेडी हो गई है और सोनल दी भी रेडी हो गई है, बस मैं ही रह गई हूँ, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ। मैं आपको है ना एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो भैया ये क्या लगा रहे हो? अरे इतनी बड़ी सिटी में थोड़ा मैं चमकने को ना क्या नहीं, कहीं लाइट बिट मोपे गिरा तो दिखना चाहिए। पापा आप कुछ कमेंट करना चाहोगे इस पे? क्या वो बड़े शहर में आए तो थोड़ा सा ऐसा चेहरा भी चमकना चाहिए। हाँ हाँ। नहीं तो शक्ल देख के बोलेंगे कि नहीं तुम मॉल में नहीं आ सकते। हाँ। यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, आप चमक रहे देख सकते। सो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने एकदम नॉर्मल सी लेगी और टॉप पहन लिया है। अभी हम चलते बाहर घूमने के लिए, चलो। बोलो अभी हमें कहाँ पे जाना है? अभी मेरे से मत पूछो, तेरे भैया से पूछो, नहीं तो तेरे मौसी से पूछो। मौसी भैया कुछ बोलो कहाँ पे जाना है? We are going for family dinner. अपने को ऐसे रेस्टोरेंट में जाने का है जहाँ पे डांस फ्लोर मिलेगा अपने को। अच्छा कौन नाचने वाला है? भैया नाचेंगे। हाँ हम नाचेंगे ना पापा, क्या है उसमें, इंजॉय करेंगे। Enjoy. देखो नाइट में पुणे सिटी कैसी दिखती है। अभी हम आए यहाँ के फेमस FC रोड पे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि है ना मेरी जो मौसी है ना, यानी कि मेरी मौसी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे। चलो फाइनली अपना सबका फेवरेट काम कर रहे हैं, शॉपिंग। देखो ना मम्मी को उनकी बहन मिल गई, तो मम्मी हमको भूल ही गई। आराम से पीछे चल रहे हो, मम्मी भाग गए उनकी बहन के साथ। ये वाली ब्लैक है ना, मेरे पास पहले भी थी, तो मैं ना वही ले रही हूँ। देखो आप भी देखो, ये दोनों पिला के दिखाओ। हाँ? दुनिया में ये खत्म हो गया, फिर तो अभी देख रहा कौन सी दुनिया में। मुझे रेड वाले और ब्लैक वाली दोनों हील्स अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने दोनों ले ली। आप बताओ कौन सी वाली अच्छी है। और ये देखो गर्ल्स कितना सारा मेकअप का सामान है, मुझे तो लगता है कि मैं सारा मेकअप का सामान उठा लूं। हमको नया देख के इतनी प्राइस बोल रहे हैं या फिर एक्चुअल में कितनी प्राइस है, आप बताओ कमेंट करके अगर आप पुणे से हो तो। देखो यहाँ पे गॉगल्स कितने मस्त है, अभी ये सोनल दी वाला ट्राई कर रही है। इधर देख सोनल दीदी मस्त लग रही है। नहीं नहीं खाओ तुम खाओ, देखो हम कितने लोग खाते हैं, बहुत टेस्टी है। तो मुझे है ना FC रोड का मार्केट अच्छा लगा, लेकिन है ना अब मुझे ऐसे लग रहा था कि ना यहाँ पे हमें काफी महंगा बोल रहे हैं। हाँ, सब कुछ नया देख के हमें। हाँ नया देख के, या फिर इसकी मार्केट प्राइस ही यही है, देखते हैं। हाँ? बोर तो नहीं हो गए ना? देखो कुछ अच्छा अगर मिल रहा होगा ना तो लो, बस सब जो सस्ता है वो सस्ता है तो ले लो, ऐसा चुपी मत लो, तुम पहनेंगे नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ ले रहे हैं ना।
हाँ अगर अच्छा है कुछ तो लो। हाँ हाँ पक्का। ठीक है ट्राई करेंगे। देखो इतने सारे रिंग कितने मस्त मस्त है और ये 50 के 4 है। देखो हमारे अंदर के सारे भूत जागे रिंग लेने के लिए। ये वाली देख पापा और भैया पूरे बोर हो चुके हैं। देखो इनको अभी और बोर करना बाकी है। चलो वो थक गए अब अभी क्या थक गए अभी कुछ भी नहीं लिया हमने। कैसा लगा मम्मी आपको पुणे का मार्केट? अच्छा है बहुत अच्छा है पर यहाँ पे अभी ठंडी के कपड़े मिल रहे हैं। हाँ विंटर सीजन है ना। कि अपनी गाड़ी कोई और पार्क करके आएगा। हाँ फिर हम सो ये रही हमारी गाड़ी अभी वो जा रही है पार्क होने के लिए। हम ये नहीं जानते थे कि अब हमारी यहाँ पे इंसल्ट होने वाली है। स्लीपर अलाउड नहीं मेरी शूज है ऊपर स्लीपर पहन के आके देखो। लेकिन ऐसे क्यों? अब वो उनको मालूम है क्यों ऐसा नहीं पर ऐसा क्यों ऐसा कुछ तो रीजन होगा ना ऐसा कुछ रीजन नहीं है रूल है रूल है हमारा अलाउड नहीं है। रीजन तो होगा ना कि स्लीपर में ऐसा कुछ ऐसा ऊपर नीचे कुछ हो जाता हूँ ऐसा। नहीं स्टार्टिंग से हम लोग का रूल है ऐसा। नहीं फिर भी मतलब एक रीजन तो नहीं स्लीपर्स नहीं अच्छा लगता है। हमारी मर्जी हम स्लीपर पहन के आए कुछ भी पहन के आए स्लीपर अलाउड नहीं। फिर अब चलो चलो थैंक यू चलो उतरो और थोड़ी देर बाद खा के ओके अलाउ करते हैं। आप बोलो अब अलाउ कर रहे हैं क्या? हाँ अभी अलाउ कर रहे हैं। हाँ अब बता अलाउ बोल रहे हैं क्यों? अभी अभी रूल भी चेंज हो गए देखो। क्यों तूने रिकॉर्ड कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया मैंने। और उनको ये भी नहीं पता कि तू कौन है और तेरा ये वीडियो कहाँ तक जा सकता है। तब अब वो मुझे अलाउड कर रहे हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि कहीं और चलते हैं जहाँ पे इंसान को उसके पहनावे पे जज ना करे। आ गई हमारी गाड़ी चलो खिसक अंदर। आ गई पापा आपको कितनी बार बोला है कि ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड शूज पहना करो बट आप है कि मानते ही नहीं हो। देखो कपड़े से ना इंसान नहीं बनता इंसान कपड़े बनाते ना। हाँ भी है अभी कल को मेरे को अगर धोती में या लुंगी में अगर मेरे को कंफर्टेबल लगे मैं वो पहनूंगा ना। हाँ अगर कोई गांव से आया और अगर वो सादा पजामा अगर पहनता तो उसको तो पीट के हकाल देंगे। फिर तो जैसे मैं हूँ वैसा ही मैं रहूंगा ना। मतलब अब मैं उनके लिए मैं शूज खरीद के पहन के आऊँ क्या? नहीं ना दूसरे वाले रेस्टोरेंट में और यहाँ पे ना भैया को चाहिए म्यूजिक क्योंकि है ना भैया को है ना म्यूजिक के बिना है ना खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। आदत है भैया की। देखो भैया हमें कितने हाई फाई रेस्टोरेंट पे लेके आए। मस्त मजा आया आज। और मुझे चप्पल के साथ में भी जाने दिया अंदर। कान भी दुख गए आपके? कान दुख गए पापा के? नहीं तो चलता ऐसा कोई ये नहीं लेकिन चप्पल के साथ में गया मैं अंदर। आखिरकार एंट्री होगी। अभी भी चप्पल पहनी हुई है पप्पा ने। इस बार है ना ये चप्पल पहने स्लीपर के जैसे। अगली बार कोल्हापुरी पहन के आऊंगा और मेरे को मना करना किसी ने।
कि आप है ना ये चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते। शाबाश शाबाश, 1 2 3 शाबाश। ये देखो ये है पुणे की नाइट लाइफ। गाड़ी स्लो चलेंगे। क्यों स्लो ही चलेंगे? देखो ये दोनों फिट बैठ गए। ये कितना मजा आ रहा है ना सोनल दी। तेरे वजह से आदमी को इतने बड़े कार में से बाहर देखने का मौका मिल रहा। कितना मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। अब व्यू देख कितना मस्त है। अभी हम आए हैं पुणे स्टेशन। क्या लेने का? पूछ ले बात कर डिब्बू। यहाँ मिलेंगे अभी अपने को खाना। वेज में आपको वेज फ्राई राइस, वेज पुलाव, पनीर चिल्ली। वेज फ्राई राइस लेने का तुम्हारे लिए? हाँ। अभी देखो अभी 1 बज रहा है और पापा ने ना खाने का ऑर्डर दे दिया है। खाना आता ही होगा। तुमने वहाँ पे ठीक से खाना नहीं खाया और अभी बोल रहे कि भूख लग गई भूख लग गई। ये मम्मी बोल रही है। बड़े मुश्किल से तुम्हारे लिए वेज पुलाव मिल गया। हाँ वो तो है, वेज मिल गया। चल सोनल दी अपना वेज पुलाव आ गया। ऐसे रात को 1 बजे वो भी नाइट में ऐसे पुलाव खाने का मजा ही कुछ और है, और वो भी पुणे रेलवे स्टेशन के सामने। देखो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं। तो खा लिया हमने पुलाव, अभी हम जा रहे हैं ज्योति मावशी के फ्लैट में। देखो अभी है ना करेक्ट 2 बज चुके और हम है ना ज्योति मावशी के फ्लैट में आ गए। देखो ये देखो, थक गई सोनल दी, मजा आया ना लेकिन आज। सो अभी 2:25 हो गए और हम सो रहे हैं। आज कितना एंजॉय किया, बहुत। अभी बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट, कल मिलते हैं। आज बहुत मज़ा आया और बहुत एंजॉय किया आज हमने। लेकिन है ना एक बात सीखने को भी मिली कि अगर आप है ना महंगे कपड़े और ब्रांडेड जूते पहनते हो तो ही लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे, वरना ये दुनिया बार 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 आपकी इंसल्ट ऐसे ही करती रहेगी। और नेक्स्ट टाइम अभी पापा सिर्फ चप्पल नहीं पहनेंगे, पापा पहनेंगे कोल्हापुरी चप्पल, वो भी धोती के साथ। फिर देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ढेर सारी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ कल हम जाने वाले हैं MG Road स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। क्या आप एक्साइटेड हो? बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।